हे एवरीवन, वेलकम टू स्पिल व्हील। लेट्स टॉक अबाउट चोला डायनेस्टी। ये डायनेस्टी का रेफरेंस रामायण में भी देखने मिला है। सो इंडीड चोला डायनेस्टी काफ़ी एंशंट टाइम से एग्जिस्टेंस में रही है। आज आपको ये कहानी वायना पोनियन सेल्वन फिल्म में जो पॉलिटिक्स दिखाया गया है वो भी समझ आ जाएगा। बिफोर कॉमन एरा के जो लिटरेचर्स थे उसमें भी चोला डायनेस्टी को मैंशन किया गया है। अब ये डायनेस्टी इतनी पुरानी है दैट सारे एविडेंसेस ना होने की वजह से स्टार्ट टू एंड का टाइमलाइन अवेलेबल नहीं है। पर चोला डायनेस्टी को तीन डिफरेंट टाइमलाइंस में डिवाइड किया जा सकता है। बिफोर 300 सी, जिसे दी एंशियंट चोला किंगडम बोला जाता है। देन बीच में एक ऐसा पीरियड था जब चोलास अपना पावर खो चुके थे एंड पांड्यास एंड पल्लवास जो थे ना वो रूल कर रहे थे, उनके रूल के अंडर चोला रह रहे थे। ये इन बिटवीन ट्रांजिशन कैसे हुआ, कैसे चोलास ने अपने किंगडम्स खोए ना, उसका प्रॉपर एविडेंस अभी भी ढूंढा जा रहा है। देन तीसरा टाइमलाइन है द इंपीरियल चोलास का। जब पल्लवास एंड पांड्यास आपस में लड़ने लगे ना तो उनका पावर कम होता गया। तब के चोला किंगडम के किंग विजयालया चोला ने ना दोनों को एक एक करके डिफीट किया एंड फिर से चोला किंगडम की स्थापना की। और ये 9th सेंचुरी की बात है। विजयालया वॉज द फाउंडर ऑफ दी इंपीरियल चोला डायनेस्टी। 9th सेंचुरी आते आते ना चोलास इतने पावरफुल हो गए थे कि पल्लवास को उन्होंने पूरा वाइपआउट करने का कोशिश किया, पर पांड्यास के साथ जो उनका बैटल रहता था वो कंटिन्यू रहा। इवन द पांड्यास को चोलास ने हरा दिया था, स्टिल पांड्यास का इन्वेजन अगेन एंड अगेन वो रोक नहीं पा रहे थे। एंड किंग विजयालया का भी एज हो गया था, सो ही वॉज इन नो पोजिशन टू फाइट इन बैटल्स। हेंस ये जो पावर था ना वो उनके बेटे आदित्य द फर्स्ट को गया। लेटर अराउंड 1871 सी विजयालया पास्ड अवे एंड उनके बेटे आदित्य बने चोला किंग। आदित्य जब रूल कर रहे थे तब अगेन उनका पांड्यास के साथ बैटल हुआ जिसमें उन्होंने पांड्यास को हरा दिया। इवन पल्लवास जो रीजन में रहते थे ना उसका कंट्रोल भी उन्होंने पूरी तरीके से ले लिया। आदित्य के जो बेटे थे ना उनका नाम परंतका द फर्स्ट था। परंतका को 907 सीई के साल में तख्त मिला जब आदित्य द फर्स्ट चल बसे। देखते देखते पल्लवास ने अपना पावर खो दिया था, पर कई सालों तक चोलास का पांड्यास के साथ बैटल्स होता रहा बिकॉज पांड्यास जो थे ना वो फिर से तख्त हासिल करना चाहते थे, पर चोला डायनेस्टी को वो रोक ही नहीं पा रहे थे, वो एक्सपांड करता जा रहा था। एक के बाद एक राजा आते गए एंड किसने भी चोला डायनेस्टी का पावर जाने नहीं दिया। परंतका द फर्स्ट के बाद राजा आदित्य चोला, फिर गंधार आदित्य, देन अरंजयाक के पास तक गया। अरंजयाक के गुजरने के बाद परंतका द सेकंड, जिन्हें सुंदरा चोला के नाम से भी जाना जाता है, उनके पास तक गया। इनके तीन बच्चे थे, आदित्य चोला द सेकंड, कुंदावाई एंड अरुल मोजी। जब सुंदरा चोला का एज हो गया ना वो बीमार रहने लगे, तब उन्होंने डिसाइड किया कि उनका जो उत्तराधिकारी होगा वो आदित्य द सेकंड होगा, उनका सबसे बड़ा बेटा। तो सेना को लीड करने की पावर भी आदित्य के पास गई। आदित्य करिकलन वॉज अ स्ट्रॉन्ग मैन। पांड्यास के साथ इवन उनका बैटल हुआ था ड्यूरिंग एक्सपांशन ऑफ चोला डायनेस्टी। उस समय पांड्यास के जो किंग थे ना उनका नाम वीरा पांड्यन था। जब आदित्य एंड वीरा पांड्यन में बैटल हुआ तो वीरा पांड्यन हार गए, यानी कि पांड्यास हार गए, चोलास जीत गए। एंड ये बैटल के बाद क्या हुआ कि आदित्य जो थे ना ही चेज्ड वीरा पांड्यन एंड देन किल्ड हिम बाय कटिंग ऑफ हिज हेड। जब दूसरे पांड्यास को ये बात पता चला तब दे डिसाइडेड कि उनके राजा की मौत का बदला वो आदित्य से लेंगे। तो पांड्यास तो ऑलरेडी आदित्य द सेकंड के अगेंस्ट थे, पर चोला डायनेस्टी के अंदर भी ऐसे भी कुछ लोग थे जो सुंदर चोला के अगेंस्ट थे एंड वे प्लानिंग अगेंस्ट आदित्य द सेकंड। तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको ये सक्सेशन का टाइमलाइन दिखाया था कि किसके बाद कौन राजा बना, तो ये नामों में से ना गंधार आदित्य ये नाम पे ध्यान दीजिए। इनके बाद एक्चुअली उनका जो तख्त था वो उनके बेटे को जाना चाहिए था, पर तभी ना उनको कोई बच्चा नहीं था जिस वजह से उन्होंने अपने छोटे भाई अरंजया को उनके बाद तख्त का हकदार बना दिया। बट ये डिसाइड होने के कुछ साल बाद गंधार आदित्य को उनके लाइफ में बहुत लेट ना जाके एक बेटा हुआ और उनका नाम था मधुरांतका। तो हिस्ट्री को देखा जाए तो हमेशा तक जो है वो राजा के बेटे को जाता है, पर जब गंधार आदित्य की मौत हुई ना तब उनका बेटा काफी छोटा था, इस वजह से उनका जो तख्त था ना उनके बेटे को नहीं गया, इंस्टेड उनके भाई अरंजया को गया। फिर क्या था, अरंजया ने बाद में अपने बेटे सुंदर चोला को तख्त दे दिया एंड अभी सुंदर चोला वॉज प्लानिंग टू गिव इट टू हिज सन आदित्य। पर मधुरांतका जब बड़ा हो गया तब उनका ये कहना था कि थ्रोन तो एक्चुअली उनका है पर उनके पिताजी के भाई ने वो ले लिया, अभी उनके बेटों को ये थ्रोन पास ऑन किया जा रहा है एंड मधुरांतका को ये तख्त वापस चाहिए था। सो ही कंस्पायर्ड अगेंस्ट दी चोला किंग टू टेक बैक दी थ्रोन। अल्टीमेटली ये पूरे षड्यंत्र के चलते आदित्य करिकलन को ना काफी चालाकी से इन लोगों ने एक महल में बुलाया एंड इवेंचुअली वहां पे ही वॉज असैसिनेटेड। आदित्य को किसने मार डाला इस पे काफी थियोरीज है। कुछ कहानी के अकॉर्डिंग ना पांड्यास ने उन्हें बदले की आग में मार दिया। देन ये भी बोला गया कि मधुरांतका ने भी पांड्यास के साथ मिलकर उनकी मदद की। उनका प्लान था कि सुंदरा चोला के वारिसों को मार डाला एंड खुद तख्त ले लेना। सो देर आर मेनी थियोरीज। नाउ यू माइट बी वंडरिंग कि PS1 में जो नंदिनी का कैरेक्टर दिखाया गया था वो कहाँ गया। तो लेट मी टेल यू कि पोनियन सेल्वन में कुछ फिक्शनल कैरेक्टर्स इंक्लूडेड है जिनके होने का प्रमाण ना इतना कभी मिला नहीं है। सो इस वजह से आई रेफर टू दैट वर्जन ऑफ द स्टोरी विच वॉज क्यूरेटेड बेस्ड ऑन द फैक्ट्स। एंड आदित्य की मौत के बाद तक किसको जाता है ना वो हम अपकमिंग पार्ट्स में देखेंगे।
सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. डू लेट मी नो कि चोला डायनेस्टी की कहानी आपको कैसी लगी. एंड इफ यू वॉन्ट यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. और ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर करें और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें. थैंक यू.